उत्तर प्रदेश की पुलिस के स्पेशल स्टाफ द्वारा नोटबंदी के दौरान 60 लाख रुपए की ठगी करने वाली हरियाणवी गायिका शिखा जाधव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता यह चला है कि शिखा को पहले भी इस मामले में स्थानीय अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता संतोष भारद्वाज परिवार सहित राणा प्रताप बाग इलाके में रहती है। वह सुभाष प्लेस में आयोजित होने वाली रामलीला की सलाहकार है। रामलीला मंचन के दौरान ही उनकी जान पहचान राम तथा सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों पवन तथा शिखा जाधव से हुई। वर्ष 2016 में नोटबंदी के कारण पीड़िता और उसके दोस्त के पास 500 तथा 1000 के 60 लाख रुपए के पुराने नोट पड़े हुए थे। ये लोग शिखा एवं पवन के झांसे में आ गए और रुपए इन्हें दे दिए। जब नए नोट नहीं मिले और ठगी का एहसास हुआ तो पिछले साल इन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। पुलिस ने इस मामले में पवन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिखा गिरफ्तारी से बचती रही। स्थानीय कोर्ट द्वारा उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस बीच ऑपरेशन सेल को सूचना मिली कि शिखा इन दोनों हरियाणा में शूटिंग कर रही है। इसी आधार पर सेल द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता यह भी चला कि धोखाधड़ी के दौरान दिल्ली से बाहर रहने लगी थी और इस दौरान वह हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्न इलाकों में छिपकर अपने एल्बम की शूटिंग कर यूट्यूब पर अपलोड कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।